गिट्टीखदान पुलिस थाना अंतर्गत मामूली विवाद में पड़ोसी पर रिवॉल्वर तानकर उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया, जिस संबंध में फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी के अपार्टमेंट के पास एक बंगला है, जो पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त अफसर आरोपी सैयद यूनुस परवेज और उसके बेटे डॉक्टर सीजान परवेज का निवास स्थान है। फिरियादी के अपार्टमेंट में एक बादाम का पेड़ है, जिसकी पत्तियां गिरने से सैयद का अक्सर अपार्टमेंट के लोगों से विवाद होता रहा है। रविवार को सैयद ने मजदूर से पेड़ की टहनियां कटवाई। सैयद ने अपने बंगले का कचरा मजदूर से उठवा लिया, लेकिन अपार्टमेंट परिसर में कचरा पड़ा रहा। इस बात को लेकर अपार्टमेंट में रहने वाले यूसुफ जमीर शेख से दोपहर में सैयद का विवाद हो गया। उस समय सीजान घर पर नहीं था। रात 8 बजे जब सीजान घर लौटा, तब उसे पिता के साथ अपार्टमेंट वालों की हुई विवाद की जानकारी मिली। इससे गुस्से से तमतमाया सीजान यूसुफ से विवाद करने गया। पीछे पीछे सैयद भी रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचा और लोगों पर यह कहते हुए रिवॉल्वर तान दी कि उसकी बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो उसे जान से मार देगा। इस संबंध में फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। सर क्या हुआ, कल रात की घटना है क्या ये? जी कल शाम की घटना है, 7 बजे की। तो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हुआ? सर में क्या हुआ था मैम, सुबह दोपहर में यानी अराउंड 12:30-1 बजे हमारे जो बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बाजू में जो रहते हैं सैयद परवेज करके नाम है उनका, तो उनको हमारे बाउंड्री वॉल में एक बादाम का झाड़ है। ओके। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम था कि आपके यहाँ के पत्ते और कचरा हमारे यहाँ गिरता है। ओके। तो हम लोगों ने ठीक है बोले कि आपके यहाँ जो भी डंगाले आती है आप उसको कट ऑफ कर दीजिए। तो उन्होंने वो सारी चीजें कट की, तो कचरा पूरा का पूरा हमारे पानी के टाके के पास फेंकते चले। ओके। तो फिर दोपहर में, क्योंकि इन दैट टाइम जब वो काट रहे थे उस टाइम तक कोई भी मेल पर्सन बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। फिर 3 बजे के करीब जब मैं जा रहा था अपनी वाइफ को लेके, तो वो अंकल अपने बाहर गार्डनिंग कर रहे थे। मैंने उनको बोला, अच्छा। अंकल आपने अपने तरफ से काट लिए लेकिन आपने ये कचरा साफ नहीं करा है। तो ही गॉट आयरेटेड और मेरे को एकदम भरा बोला बोलने लगा कि तू तेरा काम कर, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, वो तू तेरा काम करते बैठ। तो देर वॉज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस, बट आफ्टर दैट वो अपने घर चले गए। आई वॉज टू गो मार्केट, मैं अपनी वाइफ के साथ मार्केट चले गए। ओके। तो आफ्टर जब मैं बाहर था अराउंड 5:30, तो मेरे को वाइफ का फोन आया के बोले जो बाजू वाले के अंकल से आपका जो सुबह आर्ग्यूमेंट हुआ बोले, तो उनके बेटे आके यहाँ पे बिल्डिंग में कोई जेंट्स नहीं है वो लेडीज के साथ गाली गलौज कर रहे। ओके। इसने मेरे माँ बाप के साथ में आड़ी तेड़ी बात किया एंड ऑल। तो हमने फिर मैंने पूरे बिल्डिंग के जितने सोसाइटी मेंबर्स थे सबको फोन किया। ओके। तो वी हैव डिसाइडेड कि नहीं ठीक है सब जमा होते हैं, हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम कि आखिर कैसा क्या प्रॉब्लम है, तुम जबरदस्ती कितना इश्यू क्यों बना रहे। ओके। तो वो बात मैंने हम लोग डिसाइड हुआ था कि 8:30 को हम लोग जाएंगे, बट इन दैट केस हम लोग 6:30-7 बजे मैं मेरे चाचा मेरे कजिन भाई हम लोग इन्हें अभी ईद का फेस्टिवल चालू है तो हम लोग बकरे लेके आए बाजार से। तो वो बकरे हम लोग बांधे रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन कम इनसाइड उनका बेटा शाहजैन करके, ही इज अ डॉक्टर आल्सो। ओके। डॉक्टर इन टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई। तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग अस। ओके। तो ये विथ ऑफ हिम, तो इन दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड पे उनके जो फादर है वो अंदर से लोडेड पिस्टल लाके हमको शूट करने की कोशिश की। ओके। तो हम लोगों ने उनको पर जबरदस्ती करके उनसे हाथ से वो गन छीने। ओके। गन छीने और एडवांस हम लोगों ने पुलिस को फोन किया। ओके। तो पुलिस को फोन किया, बाय द टाइम पुलिस अराइव ही गेट इनसाइड द हाउस एंड टेक अनदर वेपन दैट इज 12 बोर बिगर गन। ओके। एंड पॉइंटेड ऑन माय चाचा साइड। ओके। तो फिर मोहल्ले वाले बीच में आए और हम लोगों को वहां से फिर भगाया, फिर हम लोग बचे। ओके। तो आपने इस मामले में गिट्टीखदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई? लेकिन गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन के अंदर में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एफआईआर बिकॉज दे हैव नॉट इम्पोज एनी सेक्शन रिगार्डिंग द आर्म्स एक्ट, बिकॉज जो 12 बोर थी इट बिलोंग्स टू हिज वाइफ। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में? पुलिस के अंदर में एफआईआर रजिस्टर हुआ है। ओके। बट एफआईआर इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर अ मिनिमल ऑफेंसेस। ओके।
Not even 307 is imposed, not any section of Arms Act is imposed. Okay. इस मामले की शिकायत यूसुफ ने गिट्टी कदान पुलिस थाने में दर्ज कराई। यूसुफ की शिकायत पर सैयद और उसकी बेटी सिजान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि प्रकरण गंभीर होने के बाद भी गिट्टी कदान पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। BCN News के लिए दिशा हटवार की रिपोर्ट।